और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है। आज जो हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, विशेष सत्र बुलाने को लेकर चर्चा की जा सकती है। बताएं कि आबकारी नीति पर मोहर लग सकती है, गृह विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक है, तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक है, तो आज जो हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक और ठीक सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। बताएं कि विशेष सत्र बुलाने को लेकर चर्चा हो सकती है, आबकारी नीति पर मोहर लग सकती है, गृह विभाग के कई प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, आज ठीक 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो जाएगी, क्या कुछ रहेगा इस बैठक में रवि? बिल्कुल साधना, देखिए 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय की चौथी मंजिल पर होगी। बैठक में कई एजेंडे जो हैं इस बार रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल की इस बैठक में आबकारी नीति को लेकर कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है, यानी कि 1 जून से नई आबकारी वर्ष जो है वो शुरू हो रहा है, तो उससे पहले इस प्रकार की बैठक, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो आबकारी नीति पर चर्चा जरूर की जाती है और उस पर मोहर लगती है। तो कहीं ना कहीं आबकारी नीति पर आज की इस बैठक में चर्चा के बाद मोहर लग सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक में इंडियन रिजर्व बटालियन यानी कि IRB के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को जिला पुलिस में मर्ज किए जाने को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और गृह विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक अगर बात की जाए तो RBI के हेड कांस्टेबल, C1 कांस्टेबल और EHC कांस्टेबल को जिला पुलिस में शामिल किया जा सकेगा, जिसकी IRB में 15 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है और साथ में जिन्होंने फेज 1 और फेज 2 को ट्रेनिंग जिन्होंने पूरी कर ली है तो उनको इसका फायदा मिल सकता है। तो इसको लेकर आज मंजूरी इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो साधना, कैबिनेट की बैठक में IMT के लिए अधिग्रहित जमीन को लेकर जो है कहीं ना कहीं कोई फैसला हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज है सब जिसको लेकर कहीं ना कहीं कैबिनेट की मीटिंग जो है वो बुलाई जा रही है, राजनीतिक गलियारों में इस बार की इस प्रकार की चर्चा है कि विशेष सत्र बुलाने को लेकर आज इस बैठक में तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों से चल रहे हैं, उसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार को अल्पमत में बताकर राज्यपाल को चिट्ठी भी लिख चुका है। तमाम दलों के नेताओं की अगर बात की जाए, चाहे जननायक जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, INLD की बात करें या फिर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की बात करें, तमाम नेताओं की तरफ से राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई है और फ्लोर टेस्ट कराने की मांग को लेकर कहा गया है। अब देखना होगा कि आज की इस कैबिनेट की मीटिंग में जो है जिस प्रकार से विशेष सत्र बुलाने को की मांग हो रही है उसको लेकर क्या कुछ चर्चा होती है और कब की तारीख पर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि सरकार भी लगातार ये बात कह रही है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, अगर ऐसे में फ्लोर टेस्ट होता है तो वो अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज की इस कैबिनेट की मीटिंग में फैसला रखा जा सकता है, तारीख पर मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल रवि, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए अल्पमत और बहुमत के बीच ये कैबिनेट बैठक हो रही है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं जिस प्रकार का जो घटनाक्रम है, आपने भी जानकारी दी है, 3 निर्दलीय विधायकों का किस प्रकार से बीजेपी को समर्थन मिल रहा था लेकिन कांग्रेस को अब समर्थन मिल रहा है। एक घटनाक्रम हम कह सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा है, क्योंकि चुनावी समय चल रहा है, इस बीच कैबिनेट बैठक भी हो रही है, तो विशेष सत्र बुलाने को लेकर भी कुछ खास आपने बताया कि चर्चा हो सकती है, कब तक बुलाया जा सकता है और क्या क्या इस मीटिंग में इस पर बात हो सकती है रवि? बिल्कुल साधना, अगर विशेष सत्र की बात की जाए तो अगर आज तारीखों का ऐलान होता है तो कैबिनेट की मीटिंग के 20 दिन बाद जो है वो कहीं ना कहीं विशेष सत्र जो है वो बुलाया जा सकता है। यानी कि आज अगर कोई विशेष सत्र बुलाने को लेकर फैसला होता है तो आज से 20 दिन बाद, यानी कि करीब 20 तारीख, माफ कीजिएगा, करीब 10 तारीख के आसपास, 10-11 की तारीख के आसपास तक जो है विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार विशेष सत्र बुलाएगी या नहीं बुलाएगी,
राज्यपाल इसको मंजूरी देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इस प्रकार की घटनाक्रम के बीच ये कैबिनेट मीटिंग का बुलाया जाना कहीं ना कहीं से और इशारा करता है कि विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और इसके साथ साथ एक बड़े आबकारी नीति को लेकर मंजूरी जो है वो भी दी जा सकती है, क्योंकि 1 जून से नया सेशन शुरू होने वाला है, नया सत्र शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में मंजूरी जो है वो दी जा सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, देखिए विपक्ष का लगातार आरोप लगाना हम देख रहे हैं, लगातार विपक्ष कह रहा है, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कहा कि अल्पमत में है सरकार, इधर भूपेंद्र हुड्डा का भी यही कहना था कि अल्पमत में है सरकार, उधर दुष्यंत चौटाला ने भी ये भी कह दिया कि हमारे पास व्हीप की ताकत है, तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष है वो सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है और तमाम तरह की जो निशाना है वो भी साधता हुआ नजर आ रहा है कि अल्पमत में है सरकार, लेकिन दूसरी ही तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार का ये कहना कि हमारे पास विधायकों की कमी नहीं है, हम बहुमत में हैं और अब ऐसे में बैठक बुलाई जा रही है, तो चुनावी समय के बीच इस बैठक को किस तरह से देखा जाएगा? और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश का चल रहा है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है और बैठक भी कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर फैसला लिया जा सकता है, यानी कि विशेष सत्र बुलाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले का जो घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं साधना, जिस प्रकार से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, अल्पमत में सरकार जो है वो बता रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, उन दोनों की तरफ से ये कहा गया कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। टेक्निकली अगर बात की जाए तो टेक्निकली सरकार के पास 43 यानी कि 43 मेंबर्स का बहुमत है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 45 जो सदस्य हैं उनका बहुमत चाहिए होगा। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो 88 मेंबर इस समय विधानसभा में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से इस्तीफा दिया जा चुका है, रंजीत चौटाला की तरफ से इस्तीफा दिया जा चुका है, तो यानी कि 88 मेंबर फिलहाल सदन में है और 88 मेंबर्स में से 45 मेंबर का जिसके पास बहुमत होगा, यानी नंबर्स की बात करें तो 45 वो नंबर है, मैजिकल आंकड़ा है जिसको पाने के बाद बहुमत साबित किया जा सकता है। अब सरकार के पास 2 विधायकों की कमी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से जननायक जनता पार्टी के तमाम विधायकों से बातचीत की गई, 3 से 4 विधायक उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं, तो देखना होगा कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ये विधायक किस प्रकार से वोटिंग करते हैं। हालांकि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये कह चुके हैं कि विप की ताकत है, अगर विप के खिलाफ अगर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। सदस्यता रद्द की तमाम चीजें हैं, उसके पीछे भी कई टेक्निकल कारण है और कई टेक्निकल चीजें हैं जिसके हिसाब से स्पीकर को उनकी सदस्यता पर फैसला करना होता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद करीब 95 दिन का समय जो है वो बचता है, उन 95 दिन में इस प्रकार का कोई फैसला स्पीकर के द्वारा लिया जा सकता है नहीं लिया जा सकता, ये बाद की बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वो फ्लोर टेस्ट पास करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, जैसे ही मीटिंग शुरू होगी आपसे हम तुरंत जानकारी लेंगे। तो देखिए आज की जो मीटिंग है, हम अगर इस पर नजर डालें तो आबकारी नीति पर मोहर लग सकती है, ठीक सुबह 11 बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बीच विशेष बात यह है कि विशेष सत्र बुलाने को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है, नजर हमारी लगातार बनी रहेगी इस मीटिंग पर भी और इस खबर पर भी, आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे।